अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद रेहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo V5s के बारे में। व्यूअर्स, ये एक नया स्मार्टफोन है जो कि लॉन्च किया गया है रिसेंटली Vivo की जानब से, और Vivo ने इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शामिल की हैं। हो सकता है आपको पसंद आए और हो सकता है आप उनसे इख्तलाफात करें, क्योंकि जब आप चीज़ें उन स्पेसिफिकेशन को सुनेंगे तो आपको ज़रूर या तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी या आपको शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या इस चीज़ें इस्तेमाल होगी इस स्मार्टफोन में। तो व्यूअर, सबसे पहले बात करते हैं इस डिस्प्ले साइज़ की। तो 5.5 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है स्मार्टफोन का, और इसके अलावा इसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो है ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, 4 GB रैम इस्तेमाल की गई है, और इस स्मार्टफोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो 64 GB है। और इसके अलावा आप इसमें माइक्रो एसडी कार्ड वगैरह भी इस्तेमाल करके 256 GB तक इसकी जो मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो जिस चीज़ के बारे में पहले बात कर रहा था कि आप खुश भी हो सकते हैं और आप शॉक भी हो सकते हैं, वो चीज़ ये है कि इस स्मार्टफोन में 13 MP का रियर कैमरा इस्तेमाल किया गया है, जबकि 20 MP का फ्रंट कैमरा इस्तेमाल किया गया है। इसे आप सेल्फी स्मार्टफोन भी कह सकते हैं और इसे सेल्फी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और इसमें व्यूअर्स, एंड्रॉयड का 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, 3000 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है। और इसके अलावा जो दीगर फीचर्स में बात करते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया गया है, वेट इसका है जो वो 154 ग्राम है। और इसके अलावा जिन कलर्स में ये स्मार्टफोन अवेलेबल होगा वो मेटल ब्लैक है एंड क्राउन गोल्ड में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं उसमें प्रोसेसर 1.5 GHz ऑक्टा कोर का इस्तेमाल किया गया है, और व्यूअर्स, वाईफाई इसमें अवेलेबल है, और इसके अलावा GPS इसमें अवेलेबल है, ब्लूटूथ इसमें 4.0 वर्जन इस्तेमाल किया गया है, लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और हेडफोन 3.5 mm का जैक अवेलेबल है, और FM रेडियो इसमें अवेलेबल नहीं है। डुअल सिम है, आप 2 सिम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और माइक्रो सिम 1 जो है वो माइक्रो सिम आपको इस्तेमाल करनी होगी, और 3G और 4G इसमें दोनों अवेलेबल है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इसमें सेंसर जो है कंपास सेंसर इसमें अवेलेबल है, प्रोक्सीमेटरी सेंसर इसमें अवेलेबल है, गायरोस्कोप इसमें अवेलेबल है, और दीगर जो नॉर्मली जो सेंसर होते हैं वो भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ न्यूज़ अबाउट Vivo V5s के बारे में। तो व्यूअर्स, इस तरह की मजीद वीडियोज़ में लेकर इस चैनल पर आता रहता हूँ। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे मैं कोई न्यूज़ शेयर करूं या कोई अपडेट वगैरह के बारे में वीडियो बनाऊं तो आपको फौरन से वो वीडियो मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।